भारी बारिश के अलर्ट से हिमाचल और उत्तराखंड में फिर दहशत। लगातार बारिश ने दोनों राज्यों में मचाई तबाही। पंजाब में भी बारिश से आकार, राहत और बचाव के काम में जुटा प्रशासन। करीब 45 साल बाद दिल्ली में दिखा यमुना का सबसे रौद्र रूप। 1978 के बाद सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंची यमुना। बाढ़ संभावित इलाकों में लगाई गई धारा 144। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में हिंसक प्रदर्शन के दौरान 3 लोगों की मौत। पुलिस ने कई बम को किया डिफ्यूज। कोलकाता पहुंचे बीजेपी प्रतिनिधिमंडल का ममता बनर्जी पर हमला। ममता जी, आपने लोकतंत्र को शर्मसार किया है बंगाल। लोकसभा चुनाव के साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी पर बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय में मंथन। पिछले चुनावों में हारी हुई सीटों पर जीतने की रणनीति पर चर्चा। बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर आज दूसरे दिन भी भारी हंगामा। बीजेपी ने की तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग। सदन कल तक के लिए स्थगित। दिल्ली में फिर मिला टुकड़ों में लड़की का शव। गीता कॉलोनी और जमुना खादर इलाके में मिले शव के टुकड़े। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर शुरू की जांच। राजस्थान के भरतपुर में गैंगस्टर कुलदीप जगीना की गोली मारकर हत्या। अंधाधुंध फायरिंग में साथी घायल। बीजेपी नेता की हत्या के मामले में कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे थे दोनों आरोपी। अमेरिका के जासूसी विमानों को मार गिराने की धमकी के बाद उत्तर कोरिया का बड़ा एक्शन। फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। दक्षिण कोरिया की सेना ने दी जानकारी। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं मौजूद हूं पंजाब के शाहकोट में और यहां पर हालात बद से बदतर है। कल हम दिल्ली से निकले थे ताकि हम आपको हरियाणा पंजाब के हालात दिखा पाएं। कल हमने मोहाली की तस्वीरें आपको दिखाई शाहकोट में, जहां पर मैं मौजूद हूं। दरअसल यहां पर बड़ी बड़ी कोठियां हैं, लेकिन ये गेट आप देखिए कितना डूबा हुआ है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है। दरअसल जो सतलज का पानी है वो लोगों के घरों तक आ पहुंचा है। गांव के गांव डूब चुके हैं, लोगों के खेत खलिहान डूब चुके हैं, बांध टूटा है, जिस वजह